अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर वीडियो के अंदर। मानता हूँ यार काफी दिन के बाद वीडियोस आ रही हैं, लेकिन टेंशन नहीं लो, अब से जो ना वीडियोस रेगुलर आएंगी। और एक बात आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल मेरा वीज़ा आ गया है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ना तो जुनेद को पता है और ना किसी और को पता है, तो बाकी फैमिली का रिएक्शन तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अपने दोस्तों का रिएक्शन, खिजर की तरफ चलेंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे, उसको भी बिल्कुल नहीं मालूम और जुनेद को भी नहीं मालूम, दोनों को साथ में बिठा के फिर बताऊँगा कि मेरा वीज़ा आ गया, देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। तो अभी जो है ना फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ, तो आज कुछ शॉपिंग भी करनी है, तो व्लॉग में जुड़े रहिए, साथ देखते रहिएगा व्लॉग और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक कर दें। चलते हैं, रेडी शेडी में हुआ हूँ, तो चलते हैं सीधा नीचे। ये खड़ा है जी अपना सिम्बा, बड़े दिनों के बाद आप भी इसके नज़ारे कर रहे होंगे। मिलवाता हूँ आपको जुनेद साहब से। जुनेद साहब कैसे हैं? हेलो जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं तो जबरदस्त हूँ यार। तो जी जुनेद साहब, आपको एक बात बताऊँ, मैं आपके लिए कुछ सरप्राइज मैंने रखा हुआ है, अभी नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन सरप्राइज यार, दिन को यहाँ पे सोए होते हो, सुबह 12 बजे उठते हो, रात को 2 बजे सोते हो, सरप्राइज तुम कौन समझे दे सकते? देख रोज ना कर, रोस्ट ना कर, प्लान वाली चीज, खर्चा मैं नहीं कर रहा, खर्चा तू ही कर रहा, रोस्ट ना कर, बता रहा हूँ सरप्राइज है और बड़ा ही लेवल का सरप्राइज है। आज हम भी देखते हैं कि ये किस लेवल का सरप्राइज, ऐसे ऐसा बता किस लेवल का सरप्राइज दे सकता है। आज हम भी खिजर को बुलाते, दोनों को साथ में दूंगा, ठीक है सरप्राइज। चलो 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 चलो, सामान पूरा सारा पूरा हो गया, चलो। खिजर साहब अपनी जो है ना हरकतें करते हुए जी, आफ्टर लॉन्ग 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 लिव टाइम, बहुत ही अच्छे के बाद खिजर साहब का आपको बूथा देखने को मिल रहा है, मतलब शक्ल देखने को मिल रही है। खिजर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा शेरा है, शेरा को तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारा शेरा, मेरे पास भी एक शेरा है, ये है वो शेरा, ये हमारी वीडियोस देखता है यार, ये हमें कह रहा है कभी तुम शादियों में जाते हो, कभी फौदगियों में जाते हो, फौदगी में तो हम कभी नहीं गए, फौदगी में तो क्या, फौदगी में गए हैं लेकिन व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग नहीं बनाया, फौदगी में क्यों नहीं जाते यार, वहां पे चावल नहीं ना मिलते, फौदगी में तो तेरे जैसे बंदों को चावल मिलते, शादी में तेरे जैसे बंदे को पूछता कौन है। अच्छा खिजर साहब, आपको मैं एक आज बात एक बताता हूँ, हाँ जी बताएं, आज आपको एक सरप्राइज एक मिलेगा ना जी, बड़े ही लेवल का सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज? बस नहीं, पहले मेरे को बता, सरप्राइज 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 होता है, चलते हैं सदर में वहाँ जाके बताओ, ये देखने वाली बात है कि सरप्राइज दे कौन रहा। देखो रोस्ट ना करो मुझे, मैं कह रहा हूँ सरप्राइज है और बहुत अच्छा सरप्राइज, सरप्राइज भी लेकिन अगर कह रहा तो यकीन कर लेते हैं, चलो सरप्राइज होगा, कोई जिंदगी में जिंदगी पूरी में तो यकीन नहीं हुआ इस पे, 20 साल हो गए मुझे आज तक, मैं व्लॉग को बंद कर रहा हूँ, ये ज्यादा हो रहा है। चलें जी अभी निकलते हैं यहाँ से सदर के लिए, चलो हेरा इनके, चलो शेरा शेरा चलें, शेरा यार चलते हैं हम वहाँ पे जाके, हम एंजॉय करेंगे, तो क्या पेस्ट करूं, शेरा क्या होता है, शेरा शेरा वो उधर शेरा, चलो ठीक है सलमान खान, शेरा नहीं फर्क देखो ना उस्ताद, जमीन आसमान का फर्क है, चलो फिर टेरा चलो यार, ओ शेरा ये अच्छा था, ये अच्छा काफी नहीं बता रहा, गुड वन, दैट्स गुड वन, चलो जी बैठो, अब ये इन जैसे भी हमें रोस्ट करेंगे, इन जैसे भी, ए शक्ल देखो इसकी, दा पाना होता है जी, में पहुंच गए सदर, क्या खूबसूरत बाइक, इधर पार्किंग में और अभी जाएंगे, पता नहीं, चुप कर जाना, सरप्राइज दे रहा, चुप कर, ये लंडे का एंकर जो है ना, बताता हूँ ना सबर, ये सदर पहुंच गए, हैवी सीन, बाइक कर दिया पार्क, और चलो आओ पहले उसे अपनी जगह पे जाते हैं दरख्त के पास। सदर की गलियां यार क्या ही खूबसूरत गलियां, इन दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या इनको सरप्राइज मिलने वाला है, लेकिन इनकी चौले खजे वैसे भी नहीं खत्म होती, क्या बुलाए क्या चीजें, ये ये है वो जगह जो कि हमारी बहुत ही खास जगह है, यहाँ पे बैठ के हमने बहुत से प्लान किए हैं, एक मिनट कॉल आ रही है मुझे, तो हमने यहाँ पे जितने भी प्लान बनाए वो क्या हुआ, फ्लॉप, सब फ्लॉप हुए, कुछ भी नहीं हुआ, सरप्राइज दे दूं अब, तो दे ना, एक प्लान चल गया, घंटे से तूने लटकाया हुआ है, एक प्लान चल गया, कौन सा, वीजा आ गया, किसका, इंग्लैंड का, मेरा, किसका आया, किसका वीजा आया है, मेरा इंग्लैंड का, कब आया, कल तू मेरे साथ था, कब आया, अभी आया थोड़ी देर पहले, सच्ची बता रहा हूँ, वीजा आ गया, ओ वेल्डन यार, गुड, पक्की बात है, कसम से आ गया, यकीन मान आ गया, कब जान छोड़ रहा है बाबा, कब जान छोड़ रहा है यार, फ्लाइट कब, जल्दी कर, जल्दी कर बताओ, फ्लाइट अभी नहीं है, अभी टिकट बुक नहीं कराया, बट
वीजा आ गया। जल्दी करा ना, जल्दी करा। कल 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 मैं तेरे साथ चलता हूं, कल मैं तेरे साथ चलता हूं। गालियां भी नहीं दे सकता, मैंने सोचा कुछ रोगे तुम, सैड होगे, क्या रिएक्शन दिया तुम लोगों ने। कल मैं तेरे साथ, नहीं 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 नहीं, आंखें देखे, आंखें देखे, आंखें करवा, कल ही जा करवा वीजा, मैं तेरे साथ हूं, तू जा। आंखें देखे, आंखें बता रही है, मैं सर्दी में हूं, आंखें बता रही है भाई, आंखें बता रही है, और कुछ भी नहीं। चला के थोड़ा आया तू, ऊपर बैठ के भी तो आवाज लगती है ना। नहीं, कैसा कैसा फील हो रहा है, छोड़ यार, चल बता ना, जाने दे, फिर से चाय आ गई है हमारी, चाय पीते हैं, कर ले पहले, चाय आ गई है हमारी। और फिर किसरे बता, फिर मूड ऑफ हो गया हमारा तो मूड यार, बिछड़े रोई ना, यकीन यार बिछड़े यारा तू जिंदे मेरी है। आगे आगे तू बता भाई, जूनी को तो कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जूनी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जूनी भी मेरे साथ जा रहा है, मेरा खुद भी वही काम हो रहा है, अकेला रह गया यार तू, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। रो क्यों रहा है, रो, मैं क्यों रो, मैं पागल है, मैं क्यों रो, नजर आ रहा है नुकसान हो रहा है जो मैं रो, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है नुकसान क्या, वो पांच साल एक बार सोच लो, सोच तो पांच साल वो बाइक पे बैठ के घूमना, वो बर्गर खाने, वो कहाँ कहाँ तक जाना, मनाल तक और पता नहीं किधर किधर तक जाना इकट्ठे, वो तुझे कौन देगा, कौन चलाएगा बाइक, सिम्बा कहाँ से आएगा, सोचने वाली बात ये है। चल छोड़, चाय पीते हैं, चेयर्स कर, पता क्या करते हैं, रिलेशन टूट जाए इतना दुख नहीं होता, नहीं नहीं, जितना मतलब दोस्त वगैरह अगर चला जाए ना जितना, उतना दुख होता है ना, बड़ा दुख होता है। तेरा रिलेशन कब टूटा मुझे ये तो बता, तू रिलेशन में आया कब है, कभी नहीं आया, वैसे एक ओ इमेजिनेशन बता, ये दूर से देखता रहा भाई, कोई भी उम्मीदवार हो तो हेलो आए, कहीं से कोई उनसीयत किसी की जा गया तो करे रब्ता इधर मेरे साथ टूटता। जुनैद का मैं आपको सीन बताता हूं कि जुनैद ने भी मेरे साथ, जुनैद ने भी मेरे साथ अप्लाई किया हुआ है, तो उसका भी वीजा आने वाला है, एक दो दिन में आ जाएगा। मैंने इंग्लैंड के लिए ट्राई किया था, मैंने इनको कहा था इंग्लैंड चलते हैं, इन्होंने कहा नहीं ऑस्ट्रिया चलते हैं, मैंने डन किया, मैंने कहा चलो ऑस्ट्रिया चलते हैं, अभी ऑस्ट्रिया के बाद ना ये भाई जान इंग्लैंड जा रहे हैं, फिर मुझे रोना आए इनकी, इसके जाने पर मुझे रोना आए यार, आप खुद फैसला करो, कैमरा मेरी तरफ ही रखना, मुझे प्रॉपर बात तो करने देना। देखो जी, 6 महीने के बाद खिजर को भी हम लेके जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बगैर तो हमारा रहना मुश्किल है वहाँ पे थोड़ा सा, और जुनैद जो है ना मेरे साथ ही जाएगा इंशाल्लाह, इसका वीजा 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो उसकी भी डिटेल्स आपको सारी बता देंगे। अब तक हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, और इनको क्या बोलूँ, इन्होंने तो जो रिएक्शन दिया ना, और कैमरे के सामने इनसे पता नहीं बात नहीं होती है क्या, इनको रिएक्शन नहीं देने जाते, ये इनकी पूरा दिन जो है ना बातें नहीं खत्म होती, तो क्या करें, पैर को 15 किलो शुरू कर देंगे, उठ के दिखा 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 कैमरे को, गुलटेर गुलटेर बड़ी मेहनत से पाले होया गुलटेर है, सही नहीं, चलें जी अभी चलते हैं, चलो मारो नारा उठिए, वापस आते हैं इसी जगह पे, जैकेट यहाँ से जो है ना कोई ले लेते हैं अच्छी सी, खाना खाते हैं पहले भाई जी, शाम हो गई है बहुत ज़्यादा, और अभी हम यहाँ पे कुछ एक दो चीज़ें पावर बैंक्स वगैरह लेने, फिजर साहब और हम वापस आ गए, और अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा, हमने शॉपिंग की है सिर्फ एक जैकेट लेने के बाद। मजदूर भाई आपने, मजदूर भाई इधर तो देखें जरा, मजदूर भाई प्लीज, पॉपकॉर्न तो खिला दे मजदूर भाई, यार किसका रोला चल रहा है, मजदूर भाई का, क्या रोला चल रहा है, फेस नहीं दिखाना चाहते, बाकी आप समझदार हो, क्यों नहीं, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, जुनैद भी मौजूद है तो चलते हैं, अभी यहाँ पे लाइट गई हुई है, निकलते हैं घर की तरफ, वहाँ जाके मिलते हैं। तो हम मीरपुर आए थे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, और पासपोर्ट ले लिया, और व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तबीयत बहुत डाउन हो गई है, गले की तो एक हो गई है समझ रहे हैं आप, तो बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुझे नहीं कुछ हुआ ना, इसने कल कोई ऐसी बात की है एक आरोप हो गई, तो बीमार तो यार बीमार, मैंने कहा था हो जाते हैं, इसने कहा हम नहीं होते आप, और वो सच में हो गए, बीमार नहीं हुआ सिर्फ गला दर्द कर रहा, बोला नहीं जा रहा, तो अभी ठंडे हाथ ना लगा, अच्छा तो पासपोर्ट मिल गया, और अभी
चलते हैं यहाँ से अड्डे में और वापस निकलते हैं। लेकिन आपको कहेंगे यहाँ पे खैर आबाद इस ब्लॉग को अगर आपने पसंद किया तो लाइक कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि आगे आने वाला सफर जो है हमारा आसान गुजरे।